माला तैयार किया मैंने। चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। मंदिर क्लीन हो रहा है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मैं घर गई थी तो मंदिर क्लीन नहीं कर पाई थी, तो सारा कुछ बाहर निकाल दिया है आनी ने। इधर सारा उसने निकाल के रखा। अभी मैंने कहा तुम निकाल निकाल के रख दो, फिर मैं साफ करती हूँ। बस सारे फोटोज वगैरह क्लीन करने हैं हमको, और चुन्नी वगैरह जो है वो मैं धो लूंगी, वॉश कर लूंगी अच्छे से पानी। मंदिर अच्छे से क्लीन करना मुझे पसंद है, गंदा मैं ज्यादा दिन रख नहीं पाती हूँ। घर गई थी उसके बाद, आने के बाद मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई थी। अभी आज आनी से मैंने कहा कि चलो तुम थोड़ी मेरी मदद करो। वो सारे फोटोज वगैरह उसे निकाल करके पोंछ दिए, पीछे से हंसी छूट रही है उसकी। और बस मैं ऐसे फटाफट सफाई करके सारे जमा दूंगी, उसके बाद भगवान जी को सुला दूंगी, कल सुबह फिर पूजा होगी हमारी। ये आप क्लीनिंग हैक्स में इसे ले सकते हैं कि सबसे बढ़िया, देखिए हमारे पास ये कॉलिन, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो बस स्प्रे करके फटाफट मैं अच्छे कपड़े से साफ कर देती हूँ, वाइप्स कर देती हूँ, और एकदम क्लीन हो जाता है मंदिर। ये एक हैक है, बट और कई लोग जैसे पानी वानी यूज़ करते हैं तो मंदिर में क्या लकड़ी की होती है तो उतना सेफ़ नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा ही कॉलिन का यूज़ ज़्यादा अच्छे से करती हूँ कि पूरा सफाई के लिए। देखिए हंस आ रही है। काम बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे क्लीन करना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। रोज़ मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है मार्केटिंग वगैरह बाहर करने, तो नहीं हो पा रहा था समय। तो आज बस मैंने आज ठान ही लिया कि आज करना ही है। वेलकम बैक टू उमाज ऑल इन वन चैनल। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है सरस्वती पूजा, तो आपको लग रहा होगा कि आज ऐसे, तो मैं अभी अभी शावर लेकर के आई हूँ। सारा काम घर का हो ही रहा है, साफ सफाई वगैरह। और हमारे यहाँ आज रिवाज है कि नहाने के टाइम पे हल्दी और तेल लगा करके नहाया जाता है। तो फूल वगैरह मेरे गार्डन में अभी उतना हो नहीं रहा है, हमने कट कर दिया, मैं घर गई थी तो ये एक ही हुआ है आज। तो आनी गई है बाहर देखने, अगर उसे दो चार फूल मिल जाएं तो। और ये भी ड्यूटी चले गए हैं, तो अब ऑफिस से आने का कोई ये जुगाड़ ही नहीं है कि ये फूल वगैरह ला दें, और यहाँ मैं मार्केट में अवेलेबल भी नहीं रहता। तो चलिए मैं पूजा की तैयारी करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि ऐसे हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। बंगाली घरों में तो आपका पंडित वगैरह बुला करके किया जाता है ज़्यादातर, मूर्ति वगैरह रख के। बट हम लोग बाहर रहते हैं तो बस मैं खुद से ही कर लेती हूँ, और मेरी आदत भी है, मैं छोटी थी तब से मैं खुद से ही करती हूँ घर पे ही। और जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तब तो वहाँ जाकर करते थे घर में करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और मंदिर तो मैंने पहले ही उस दिन साफ कर लिया था आनी ने और मैंने मिल करके। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पूजा की। और आनी यहाँ पर बोल रही है कि नीचे बैठाऊंगी मम्मी मैं, तो उसने रात को ही देखिए पेपर चिपका लिया है यहाँ, वो नीचे लगाएगी पीढ़ा, मेरा जो पूजा वाला पीढ़ा वहाँ रखा है मैंने। तो लाइट की थोड़ी कमी, थोड़ा अंधेरा लगेगा आपको। एक लाइट इस रूम की ख़राब हो गई है, और ये घर में रहते ही नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है, बस जैसे भी चल रहा है। अब जिस दिन वो रहेंगे घर में उसी दिन आगे का काम हो पाएगा। तो शुरू करती हूँ मैं आज का दिन। बस तैयारी स्टार्ट हो गई है, मैं माला बना लेती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने ये कुछ जुगाड़ किया है अभी, और
मीठा भी नहीं आ सका यहाँ, क्योंकि कोई भी स्वीट्स की शॉप नहीं है, तो नॉर्मली जो राशन की दुकान है वहाँ से मैं ये सोन पापड़ी की पैकेट्स लेकर के आ गई हूँ। और बनाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि माताजी के लिए बनाना है तो आपको बिना खाए और नहा धोकर कर ही बनाना होगा। तो पहले मैं पूजा निपटा लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो शाम की आरती के लिए मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मीठा बनाऊँ, अगर नहीं बनाऊँगी तो फिर इसी से इस बार हमारी पूजा होने वाली है। ये माला तैयार किया मैंने, चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। और तैयारी हो गई है पूरी। ये हमारी पहली वाली सरस्वती माता, लिटिल बिट टायर्ड। और क्या हुआ? हेल्दी। और ये हमारे अभी की तैयारी हो गई है, सारा कुछ रेडी है, बुक कॉपी भी इसने रख दिया है आनी ने। ये रही नई वाली मेरी सरस्वती माता, मेरी फ्रेंड ने मुझे इस बार से गिफ्ट किया है, और वो मैं लेकर के आई थी, आपको दिखाया ही था दुर्गा पूजा के समय मूर्ति को। बस सब कुछ रेडी है, बस अब हम फटाफट से पूजा कर लेते हैं। मैं यहाँ चढ़ने गया, मुझे लग गया यहाँ नीचे। सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। आरती करो सरस्वती माँ तू हमारी हो भव भयहारी। हृदय भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। और पूजा वूजा कर लिया है मैंने। सिस्टी भी इधर आ गई। पापा का कॉल आ रहा है, जाओ बात कर लो। तो पॉज कर दो। और उसने सरस्वती वंदना लगा करके रखी हुई है। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। हमारे यहाँ आज खिचड़ी बनती है, तो देखिए सारे मैंने तैयारी कर लिया, वेजिटेबल्स कट किया है, चावल भिगो कर रखा है। ये दाल रह रही हूँ, मूंग दाल की खिचड़ी मैं बनाने वाली हूँ, तो दिखाऊंगी रेसिपी आप लोगों को सरस्वती पूजा के लिए। और थोड़े से मेरे पास सूखे नारियल थे तो वो ले लिया मैंने। चलिए अब दिखाती हूँ रेसिपी को बना करके कैसे क्या होता है, फटाफट से। हम लोग खाए नहीं अभी तक सुबह से कुछ, हमारे यहाँ पूजा वगैरह होने के बाद ही कुछ खाया जाता है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। और यहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है गैस पे, इधर
ले रही हूँ मूंग दाल, आपको दिखा देती हूँ। मूंग दाल मैंने देखिए ये हाफ बाउल लिया है, इससे हल इतना ही होगा, ये पानी में फूला हुआ इसलिए दिख रहा है। चावल मैंने लिया है, इसको अब हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आपके पास ओवन है तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इस तरह से आप कढ़ाई में डाल करके सूखा ही इस तरह से भून लीजिए, आपको दिखने लग जाएगा हल्का हल्का ये भुनेगा तो ब्राउन कलर। उसके बाद इनको हमको अलग निकाल लेना है फिर से बाउल में। जब तक ये कम आँच में दाल हमारी भून रही है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं खिचड़ी के लिए। तो मैंने पहले ही कट करके रखा है, आपको अभी दिखाया भी है। देखिए अभी दिखा देती हूँ, ये चावल भिगो के रखा है अच्छे से वॉश करके, हरी मटर भी भिगो दी है पानी में क्योंकि मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये रहा अदरक, देखिए छील के लिया है मैंने, दो टुकड़ा छोटा छोटा दो टुकड़ा लिया, उसके देखिए छोटे छोटे कट कर लिए हैं। टमाटर दो बड़ा टमाटर लिया, उसको भी कट करके रखा है। और यहाँ 8-9 है हरी मिर्चें, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप लेना चाहते हैं तीखा आप लोग जितना पसंद करते हो। और इधर गरम मसाला भी एक साथ मैंने रख लिया है, जो जो ज़रूरी होता है ये इसलिए ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स ऐड करके ही खिचड़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए ये सारे गरम मसाले मैं यूज़ करूँगी। और इनको हम मिक्सी के जार में डाल करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये रही वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स आपके पास जो हो वो अवेलेबल हो उस तरह आप ले सकते हैं। मेरे पास पत्ता गोभी थी, फूल गोभी थी, गाजर, बैंगन, जो जो था वो सारा मैंने कट कर लिया है। सेमी थी ये, तो इसको भी देखिए इतना बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट करके लिया है। तो जो भी है आपके पास अवेलेबल खिचड़ी में आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर चलिए तब तक मैं मसाले को कर लेती हूँ, यहाँ जल ना जाए दाल, आपको ध्यान रखते रहना है, फिर चलाते रहना है। देखिए भून चुका है अब बिल्कुल, इसी आपको कंडीशन में दाल को उतार लेना है, ज़्यादा आपको देर तक भुनना नहीं है। हल्का ब्राउन कलर देखिए आ चुका है दाल में, अब हम इनको अलग कर लेते हैं। तो कुकर चढ़ा दिया है मैंने, ये दाल देखिए फ्राई करके अलग निकाल लिया है बाउल में फिर से। और कुकर जब गर्म हो जाए, हीट इसमें अच्छी आ जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मुझे थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स कुछ ज़्यादा ही लिए हैं, मुझे प्लेन दाल और चावल की खिचड़ी उतनी पसंद नहीं है, मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आपने देखा ही है अभी। तो उस हिसाब से हमको इसमें ऑयल लेना होगा। तो ऑयल मैं अंदाजे से आपको बता दूँ, इसमें कम से कम 3-4 टेबल स्पून आपको बड़े वाले चम्मच के ऑयल की ज़रूरत होगी। और साथ ही इधर मैंने गरम मसाले आपको दिखाए थे, तो ये बता देती हूँ, जीरा लिया है मैंने, 4 लाल मिर्च है जिसको तोड़ लिया है, इधर है तेज पत्ता, बेलीफ जिसको कहेंगे, और एक बड़ा गरम मसाला जिसको कहते हैं देखिए ये क्या, इलायची, बड़ी वाली इलायची है ये, दालचीनी 1-2 टुकड़ा है देखिए छोटा सा एक, और ये रही 4-5 हरी इलायची, इनको भी मैंने हल्का सा देखिए तोड़ लिया है, और ये थोड़ी सी है गोल मिर्च, काली मिर्च जिसको कहते हैं, और पेपर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और ये रही आपकी लॉन्ग क्लोव्स है, 6-7 होंगी यहाँ पर, मैंने अंदाजे से ले लिया है। अब इन सबको हमको गर्म तेल में डाल देना है, जिसके लेकिन तेल गर्म हो जाने पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी हींग। हींग मेरे पास देखिए ये वाली हींग है एवरेस्ट की, एक चुटकी हींग डालने से हींग टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा नहीं दूँगी, बहुत थोड़ा सा ही। और ये जितने सारे खड़े मसाले हैं ये सारा मैं इसमें ऐसे ही ऐड कर दूँगी, ये अच्छे से चटक जाए। उसके बाद हमने मसाला पीसा हुआ है जो दिखाया था आपको, मैं पीसूंगी उसको, मैंने पीस लिया है, फिर हम उसे यूज़ करेंगे, पीसा हुआ मसाला जो है इस समय पे। मैं अब इसमें मसाले को देखिए ऐड कर दूंगी, पहले हमको मसाले को थोड़ा फ्राई कर लेना है। मसाले को हमको हल्का भून लेना है, उसके बाद इसी के अंदर हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर आपको ऐड करना है तकरीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून। मेरी चम्मच जो मैंने रखी है मसाले की डिब्बी में बहुत छोटी है, इसलिए मैं 3-4 बार डाल रही हूँ। ये है जीरा का पाउडर, क्यूमिन पाउडर, इसको भी आपको तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करना है। और मेरे पास है गरम मसाला, जो गरम मसाला मेरे पास है वो उसका ही मैं देखिए ये चम्मच डाल रही हूँ, इसका मतलब है कि आपको 1/2 टीस्पून यूज़ करना है। और मिर्च तो हमने पीस के ऐड किया ही है, ऊपर से हमने इसमें
सूखा मिर्च भी यूज किया है, तो आप डालना, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा मिर्च हम लोग नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डालूंगी, मैंने कच्चा मिर्च ही इसमें पीस लिया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर थोड़ा ज़्यादा भर भर के मैं दूंगी, तो धनिया का पाउडर हम दे रहे हैं 2 चम्मच 2 टीस्पून, और ये थोड़ा सा चम्मच छोटा है इसे मैंने ऐड किया है। बस अब मसाले को हल्का हमको भून लेना है, उसके बाद इसमें हम वेजिटेबल्स को डाल करके कुछ देर के लिए भूनेंगे, थोड़ा मसाला भुन जाए इस तरह से मिला करके। अगर आपको थोड़ा सूखा लगे तो मसाले के जो मिक्सी में हमने जार में पीसा था थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप इस समय डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा सूखा आपको लग रहा हो तो। बस हो गया, थोड़ा देर हम इसको ऐसे ही ढक्कन को ऊपर से रख करके, बिल्कुल 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा, आपको ढक ढक कर भून लेना है मसाले को। चलिए मसाला अब रेडी हो चुका होगा, अब इस टाइम पे हमको सारे वेजिटेबल्स जो है इसमें ऐड कर देने हैं। पूरा एक बार में नहीं डालूंगी मैं, 2 बार में। तो ये सारा मैंने ऐड कर दिया है इसमें वेजिटेबल, और इसे अच्छे से हिला लूंगी। जो भी आपके पास वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए मेरे पास था क्या क्या, जो मैंने आपको बता ही दिया है, पत्ता गोभी वगैरह है, बैंगन है। बस मसाले में इस तरह मिला करके थोड़ी देर हमको ढक ढक करके सब्जी को भूनना है, ताकि सब्जी की जो क्वांटिटी है वो अपना पानी छोड़कर कम हो जाए। बस इस तरह से, और मैं ऐड कर दूंगी, मेरे पास थोड़े ये चने थे देखिए फूले हुए, ये लोग खाने के लिए बोलते हैं भिंगाने, तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ इसमें ऐड कर दूँ। आनी ने बैठ बैठ कर इनके छिलके हटा दिए हैं, ये मिक्स वाले सारे, और इनको भी भून लूँगी। टमाटर अगर आपको लगे कि कम हो जाएगा तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, वैसे अभी सारे वेजिटेबल्स घट जाएंगे जैसे ही, देखिए धीरे धीरे ये भुनने लगेंगे, इनका पानी छोड़ देगा। पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, इधर वो आपको वंदना हो गई ख़त्म, उसके बाद स्टार्ट हो गया गाना इनका बच्चों का। और कुछ देर बाद हम ये हरे मटर भी इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा एक बार और चला करके, उसके बाद हम इसमें चावल और दाल को ऐड करेंगे। और इस समय पे ये मैंने देखिए 4 हरी मिर्ची बचा करके रखी हुई थी, इसमें ऐड कर दिया है, इसने मैंने सारा का सारा यूज़ नहीं किया था। अब हम मसाले भून चुके हैं, सब्जियां भी भून चुकी है, दाल जो मैंने देखिए लिया था उसको भूंज के रखा था, इसमें ऐड कर दिया। दाल को आपको धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूँग की दाल है ये, हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, बस ऐसे ही डालने के लिए तैयार है। और साथ ही ये चावल जो मैंने धुल के रखे हैं उसको भी मैं इसी समय ऐड कर दूँगी। चावल और दाल को डाल करके इस तरह देखिए थोड़ा सा बस मैंने मिला लिया है। अब इस समय हम इसमें डाल देंगे पानी, पानी आपको इसमें भर भर के खूब सारा ऐड करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नाप करके डालना है, क्योंकि हम बना रहे हैं खिचड़ी, तो खिचड़ी थोड़ी अगर नरम ना बने तो अच्छी भी नहीं लगती खाने में। जिसमें मैंने चावल लिया था देखिए उसी बाउल में एक बाउल भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बाउल भी डालना है। इधर मिक्सी के जार में भी मैंने थोड़ा रखा था, मसाले थोड़े थे उसमें, तो इसमें चला जाएगा सारा, पूरा फुल कर दूंगी मैं। और सबसे मेन चीज़ जो है बची है अभी सॉल्ट, नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप सब डालिए, जितना ज़रूरत हो आप जितना बना रहे हो क्वांटिटी के हिसाब से,
वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डलेगी। इसमें थोड़ा और पानी मैं ऐड करूँगी, तो सेम उसी बाउल से मैं दिखा देती हूँ आपको, वन बाउल में और डालने वाली हूँ। मैंने 2.5 बाउल इसमें वाटर ऐड किया है। चावल का जस्ट डबल आप इसमें यूज़ करिए, क्योंकि चावल लिया है उससे थोड़ा हल्का कम हमने दाल लिया था। वैसे दाल और चावल एक बराबर ही लेना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया। मैंने वेजिटेबल्स भी दिए। एक कुकर देखिए भर के बनने वाला है। तो चलिए सॉल्ट इसमें ऐड करती हूँ मैं। सॉल्ट भर भर के मुझे डालना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बन गया है। तो इसमें मैंने 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं बस। और आपके पास अगर ग्रीन कोरिएंडर लीफ हो, धनिया की पत्ती, तो ऊपर से काट करके डाल दीजिए। और थोड़ा घी आपको इसमें देना होगा, क्योंकि खिचड़ी में जब तक आप घी नहीं देंगे ऊपर से तो वो टेस्ट नहीं आने वाला है। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ अभी घी, भर भर के 2 चम्मच इसमें मैं दूंगी। ये देखिए एक बड़ा चम्मच निकाल लिया है मैंने, जम गया है, ठंड में तो ऐसे ही जम जाती हैं। ये एक और चम्मच इसको इसके अंदर ही डाल दूंगी ताकि जल्दी से छूट जाए। देखिए निकल चुका है। बस अब हमको लिड लगा लेनी है। थोड़ी धनिया की पत्ती मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ और हमको लिड लगा करके 2-3 सीटी के लिए इसे पका लेना है। बस ये हरे धनिया की पत्ती मैंने कट कर लिया है, देखिए इसको बस ऊपर से ऐड कर दूंगी ऐसे, और ढक्कन लगा देंगे हम कुकर का और तैयार हो जाएगा। कोई आया है, बैल बजी मेरे घर की। खिचड़ी उधर बन रही है, उसमें 3-4 सीटी लगेगी। और मैंने इधर काट के रखे हैं ये ब्रिंजल, ये पतले पतले स्लाइसेस इसके कट किए हैं। साथ में एक आलू भी कट कर लिया है। खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ बेगुनी। बंगाली लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आप इसे पकौड़ा भी कह सकते हैं। और यहाँ सीटी लगने की तैयारी है। जैसे ही आपकी 3 से 4 सीटी हो जाए बस आप गैस को बंद कर दीजिए। और ये मैंने लिया है बेसन, बेसन है इसमें ये 1 कप के बराबर होगा, जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कॉफ़ी वाला। और साथ ही मैंने कुछ देखिए सूखे मसाले इसमें ऐड कर लिए। यह है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, यह है 1 टीस्पून जीरा का पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये रहा 1 पिंच मीठा सोडा, ये है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, और ये है सॉल्ट, सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इधर कुकर की सीटी चल रही है, 2 सीटी लगी है अब तक उसमें। और इससे हम बना लेंगे एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा पानी इसमें ऐड करके पकौड़ी के लिए हम इसमें पकौड़ी छानने वाले हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ब्रिंजल की और पोटैटोस की, आलू और बैंगन की, और जिसे हम सर्व करेंगे खिचड़ी के साथ, जो है सरस्वती पूजा स्पेशल। और इधर मैंने बैटर तैयार कर लिया है, थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह का बस। और इधर गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है, इसमें हम तेल डालने वाले हैं। इधर दिखा, ये बैटर तैयार है, तेल भी गर्म हो चुका है, ब्रिंजल का सारा पानी मैंने फेंक दिया। इसमें थोड़ा नमक मिला करके मैंने रखा था पानी में। अब हम इनको इसमें डिप करेंगे और गर्मा गर्म तेल में बस पकौड़ी छान लेंगे इनकी। बहुत ही आसान है, तब तक उधर कुकर का गैस भी निकल जाए। खाने में यम्मी लगता है, टेस्टी भी, गर्म गर्म आप ले खाइए। और अलग से वेजिटेबल्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वेजिटेबल देकर ही बनाया है खिचड़ी को। बस गरम गरम तेल में इस तरह से छान लीजिए। और ये ट्रिप छान करके निकाल लिया है मैंने पकौड़ी। ये है गर्मा गर्म पकौड़ीज़, खाइए। कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा पकौड़ीज़।
ये रहा सरस्वती पूजा स्पेशल खाना, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम लोग कैसे सरस्वती पूजा मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं। आप लोग भी खाइए और सरस्वती पूजा मनाइए। सरस्वती माता की जय। तो आज पूरे दिन का व्लॉग किया मैंने, मैंने सोचा कि वीडियो को एंड नहीं किया था तो यहाँ से मैं कर देती हूँ। शाम अभी हो गई है, देखिए उल्टा दिखेगा आपको। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और मैं चाहती हूँ थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ अपने लिए, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी शाम की दियाबत्ती करेगी आनी, तो आनी जाओ दियाबत्ती कर दो है कि नहीं, उठो। वो करेगी माता का, अभी आरती करेगी वो, हमने बैठा के रखा हुआ था सुबह की। आप पूजा उजा आपको कैसा लगा? और बदमाशी चाली है। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सबको विद्या दे, बुद्धि दे, हमको भी दे। और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है यहीं से, आज बसंत ऋतु भी माना जाता है हिंदू धर्म में। तो हमने लंच वंच भी किया दोपहर में, दिखाया ही मैंने आपको, खिचड़ी और बैंगन की आलू की पकौड़ी वगैरह बनाया था मैंने, और सब्जी वगैरह था वो तो दिखाया नहीं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लास्ट में मैं माता की आरती दिखा करके वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम का पूजा कौन कर रहा है? बॉय। और ये सृष्टि ने खुद ड्रॉ करके लगाई हुई है अपने रूम में पहले से ही। ये कैसे बजाती हो आप? बाप रे, क्यों नहीं बज रहा है? बजा बट इतना अच्छे से नहीं। पूजा करो, और इसी चाय के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। सरस्वती पूजा के दिन के सारा ब्लॉग मैंने किया, आज का फुल डे ब्लॉग था ये। कैसा लगा आप लोगों को? जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक शेयर ऑल्सो। जय सरस्वती मैया की।